मैंने आपको एंजियोस्पर्म या आवृत बीजों के उत्पत्ति के स्थान के बारे में बताया था। लगभग 10 ऐसे स्थान है जहां पर अलग अलग विद्वानों ने अपनी खोज के आधार पर, किसी ने बताया क्या मलेशिया में पैदा हुआ, किसी ने कहा ग्रीनलैंड में पैदा हुआ, कोई के महासागर के देशों में, उन्होंने अपना हर एक का तर्क दिया था। तो उनके उस उत्पत्ति के स्थान के बाद में मैंने आपको कि ये इनके युग बताए, यानी ये सारे पौधे जो है करोड़ों वर्ष पूर्व पैदा हुए थे। उसका कोई ऐसा ठोस प्रमाण जो है वो नहीं मिले हैं, केवल उनके जो जमीन की, पहाड़ों की, समुद्रों की जो खुदाई की गई उसके अंदर जो फॉसिल मिले, जीवाश्म मिले, उसके आधार पर हर एक वैज्ञानिक ने अपना रिसर्च अनुसंधान करके कि भाई इसकी जड़ें इतनी थी जो वर्तमान के इन पौधों से मिलती जुलती है, इसलिए इसका बाप यही था, पूर्वज ये उससे ही पैदा हुए। तो इस प्रकार के रिसर्च के आधार पर कोई उसको क्रिस्टेशियन काल का मानता है, कोई मीसोजोइक का, अलग अलग काल भी मैंने आपको बताया था करोड़ों वर्ष, कोई उस क्रिस्टेशियन काल जो आज से करोड़ों 4-5 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है या 250 लाख माना जाता है। तो उसके बाद में आज अपन पढ़ेंगे, क्योंकि अब तक इनके ऊपर कोई सर्वसम्मत सिद्धांत नहीं है कि भाई यही इसके पूर्वज थे। तो ये आज पढ़ेंगे आवर्त बीजी पादपों की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत, अर्थात किस वैज्ञानिक ने किस सिद्धांत के द्वारा अपना मत व्यक्त किया है और उसने क्या कहा, उसने कौन से तर्क प्रमाण या खोज का जो आधार था वो दिया है। तो सबसे पहले इसकी प्रस्तावना है, इसके अंदर आप लिखोगे कि अब तक इसके बारे में कोई ठोस नतीजा नहीं है, वो मैंने ये पहला पॉइंट बनाया है जिससे आपको समझ में आए कि अब तक इसका कोई जो ठोस प्रमाण नहीं है। अलग अलग विद्वानों ने, अब ये देखिए आवर्त बीजी पादप की जो उत्पत्ति है उसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने मत प्रचलित है। अब तक इन वृक्षों की उत्पत्ति का कोई ठोस या सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है। अब तक कौन कौन से सिद्धांत चल रहे थे वो ये, कुछ इन वृक्षों की उत्पत्ति अनावृत बीजी से मानते हैं कि ये अनावृत बीज थे, वो समय के साथ में जो है आवृत बीज में बदल गए, उन्होंने अपने तर्क दिए। कुछ जो है नीटल्स नाम का एक प्राचीन वृक्ष उससे उनको पूर्व मानते हैं, कुछ जो है टेरिडोफाइट पौधे होते हैं उनको इनका पूर्वज मानते हैं। अतः विभिन्न सिद्धांत जो है वो इसमें इस प्रकार से है। अब अपन प्रत्येक सिद्धांत जो है उसका डिटेल के अंदर आपको, जो पहला सिद्धांत है वो मैं यहाँ आपको लिख करके समझा रहा हूँ। पहला इसका सिद्धांत है, ऐतिहासिक अवधारणा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार आवृत बीजी
60 से 125 लाख वर्ष पूर्व क्रिटेशियस काल में हुई, ये ना अंडरलाइन करो, है पूर्व। पहलो सिद्धांत है ऐतिहासिक खोज है काल के अनुसार। क्रिटेशियस काल जो है आज से लगभग 250 लाख वर्ष पहले, यानी 2 करोड़ साल पहले की जो पेड़ पौधे पृथ्वी पर थे उस काल को क्रिटेशियन काल कहते हैं। ज्यादातर जो वनस्पति या बोटनी के विद्वान है वो इस सिद्धांत को मानते हैं ऐतिहासिक अवधारणा के आधार पर, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों ने जो है ये जो विभिन्न पृथ्वी के स्थानों के अंदर पहाड़ों पर मैदानों में खोज की, उस खोज के अंदर जो पट्टियां पाई गई, डालियां पाई गई, तो उसके जो जीवाश्म थे उन जीवाश्म, क्योंकि वो जीवित वृक्ष तो थे नहीं, उनका अध्ययन करने के आधार पर उन्होंने कहा कि इसका जो पूर्वज है ये 125 लाख क्रिटेशियन काल में हुई इसको माना जाता। एक तो आपको इसको याद करना है ऐतिहासिक दृष्टि से, और ज्यादातर जो विद्वान है वो बीज आवर्त बीजी पौधे जो होते हैं उनकी उत्पत्ति का काल ये मानते हैं कि इनका उत्पत्ति का समय जो था वो क्रिटेशियन काल है। कुछ जो विद्वान है वो ऐतिहासिक दृष्टि से इससे भी 6 करोड़ वर्ष पूर्व का मानते है, जो कल मैंने आपको बताया था, समय लिखाया था कि ये 2 युग है। आगे लिखो इसके अंदर दूसरा सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार आवरत बीजी बीज पत्रीय पादपों की उत्पत्ति अचानक हुई। खास बस ये इसका पूरा सिद्धांत यही है, क्रिटेशियन काल के अंदर ये कहा गया कि इनके बीज फिर वगैरह या पौधे नहीं मिले हैं, कि अचानक एनवायरनमेंट पर्यावरण में परिवर्तन की वजह से वो अपने आप पैदा हो गए, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं। तो इसका पहला सिद्धांत यही है कि आज से लगभग 60 से 125 लाख वर्ष पूर्व क्रिटेशियन काल के अंदर जो है इन वृक्षों की उत्पत्ति हुई। दूसरा, इस सिद्धांत के अनुसार आवरत बीज पत्री पादों की उत्पत्ति अचानक हुई, इसका मतलब समझे आप कि इनके जो पूर्वज जो नहीं थे, कि एक जैसे आदमी है वो पहले बंदर था, बंदर से इंसान कैसे बना, उनका धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और बॉडी के अंदर पार्ट के अंदर पहले वो भी आज जानवरों की बंदर की तरह चलता था, फिर उसने अपने आगे बढ़े, कुछ जानवर मिलते गोरिल्ला वो बिल्कुल इंसानों जैसा ही है। तो ठीक इसी प्रकार से कालांतर में तो इसका पहला सिद्धांत जो है ऐतिहासिक अवधारणा के अनुसार ये मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति आप लिख सकते हो इस सिद्धांत के अनुसार पेड़ों की या आवरत बीजी पौधों की उत्पत्ति है वो क्रिटेशियन युग के अंदर अचानक हो गई। उनके पूर्वजों के बारे में कोई निश्चित जो है प्रमाण
नहीं मिलते हैं, इसलिए ये जलवायु परिवर्तन के कारण अचानक इनकी जो है उत्पत्ति हो गई। क्योंकि इनके पूर्वजों की कोई शाखा का प्रमाण नहीं मिलता है, मतलब केवल अनुमान के आधार पर ये माना गया है, कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि इसी के आधार पर ये कहा जा सके। ये पुराने इतिहास को मानते हुए कि आज से इतने करोड़ वर्ष पूर्व जो है इनकी उत्पत्ति मानी गई है, और उसकी उत्पत्ति के बारे में कोई ठोस प्रमाण भी उन्होंने नहीं दिया है। और इस सिद्धांत को अधिकांश वैज्ञानिक आवृत बीजी पत्रीय पादपों की उत्पत्ति को अचानक उत्पत्ति के सिद्धांत को मानते हैं। इस सिद्धांत को अधिकांश वैज्ञानिक मानते हैं, और ये सिद्धांत क्या है अंडरलाइन करो इसको। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर ये जो मैंने पढ़ाया आपको के जो ऐतिहासिक अवधारणा का मतलब क्या है, अधिकांश जो वनस्पतिज्ञ है वो ये मानते हैं कि क्रिस्टेशियन काल के अंदर जो लगभग 60 लाख से लेकर के 125 लाख पूर्व का है, उस समय ये पैदा हुए, पहला तो ये, और पैदा उस समय हुए, लेकिन कैसे हुए इसके बारे में वो कहते हैं कि इनका कोई शाखा नहीं है, ये अचानक वातावरण के परिवर्तन की वजह से पैदा हुए। इसलिए इस सिद्धांत को कहते हैं अचानक उत्पत्ति का सिद्धांत। अरे समझ में आयो था ना, पहलो सिद्धांत की बतायो ऐतिहासिक सिद्धांत यानी अचानक उत्पत्ति हो गई। अरे कोई भी जीव था ना, पानी पड़ा है कुछ दिन सड़ेगा, अपने आप रिएक्शन होगा, उसमें जीव पैदा हो गए। तो इस प्रकार से एनवायरमेंट या पर्यावरण के अंदर कुछ पौधे अचानक पैदा होंगे, फिर आगे कुछ समय बाद में उसके ऊपर पर्यावरण के प्रभाव से फिर उससे एक नई जाति बनी, फिर उससे आगे बताओ ऊपर पर्यावरण बना। टाइम के साथ में पर्यावरण के प्रभाव से पहले आदमी जो था वो 8-8, 10-10, 25-25 फीट लंबा, अब दिनों दिन घट गया है, और हो सकता है आने वाले टाइम चूहे की तरह हो जाए, पता नहीं, रहना पड़े बिलों में अपने को। तो परिवर्तन की वजह पर्यावरण होता है। अब ये पहला सिद्धांत क्या बताया मैंने, ऐतिहासिक अवधारणा का उत्पत्ति का सिद्धांत। किसकी उत्पत्ति, आवरत बीजी। आवरत बीजी याद नहीं रहे तो लिखो एंजियोस्पर्म।
आवरत बीजी पत्रो, अगर सिंपल अर्थ पूछे व्हाट डू यू मीन बाय एंजियोस्पर्म, आप इसे क्या समझते हो? जिस पौधे के अंदर फूल लगते, क्या है फूल जिसमें लगे वो पौधा एंजियोस्पर्म है। तो फूल वाले पौधे हो, फूल से फल बनते हो, फिर आगे चलते हैं। अब वो फूल भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कोई एक लिंगी होता, कोई दुई लिंगी होता। ये पहले आपको मैंने ये पुष्प क्रम के अंदर बताया था। अब ये अब चलते हैं दूसरा सिद्धांत इसका, वो है भौगोलिक सिद्धांत। यानी जो अलग अलग पृथ्वी के स्थान जो है उससे मिले जो खोज के अंदर प्रमाण मिले हैं उसके आधार पर कुछ विद्वानों ने अपनी राय प्रकट की है कि इनकी उत्पत्ति इस स्थान पर हुई और इनके वृक्ष इस प्रकार से पाए गए हैं। दूसरा सिद्धांत है भू गर्भीय प्रमाणों की अपूर्णता का सिद्धांत। इम्परफेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल रिकॉर्ड, जमीन के अंदर खुदाई के बाद में कुछ प्रमाण मिले हैं, उन प्रमाणों को जो है पूरी तरह से सही नहीं माना गया है, उसके आधार पर कुछ विद्वानों ने अपनी राय करके ये एक सिद्धांत दिया, भूगर्भीय प्रमाणों की अपूर्णता का सिद्धांत। इस सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया है वो मैं लिख रहा हूं, यहां पर लिखो। इस सिद्धांत के अनुसार उत्पत्ति का काल क्रिटेशियस काल को ही माना गया है। इनके अनुसार फाइलाइटिस के जीवाश्म की पत्तियों के जीवाश्म की प्राप्ति से यह खोज की गई। अब ये जो सिद्धांत है ये पूर्व के सिद्धांत का ही एक भाग है। इन्होंने खोज ये की ये फाइलेटिस नाम का एक पौधा है, उसके अंदर जो पत्तियां जो थी उसका जीवाश्म मिला। तो ये फाइलेटिस के पौधों उस जीवाश्म के अध्ययन के आधार पर उन्होंने बताया कि
ये उनके पूर्वज जो थे वो फाइलेटिस्ट के पौधे, और इसका आधार जो है उन्होंने ये बताया, ये क्रिस्टेशियस युग के अंदर ही इनकी उत्पत्ति हुई। तो लेकिन दूसरे वैज्ञानिक जो है इसको पूरी तरह से सत्य नहीं मानते, क्योंकि ये प्रमाण जो है वो ठोस नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा गीता उस प्रकार का पौधा जो है वर्तमान में ऐसे गुणों वाले पौधे नहीं पाए जाते है, इसलिए इसको ठोस आधार नहीं माना, खोज की गई इसको नहीं माना गया है। ऐसा जीवाश्म यॉर्कशायर में भी मिला है। जो सरसी दो फिल्लस पौधे से मिलता जुलता, यानी वैज्ञानिक खोज उन्होंने की, तो उन्होंने यार्कशायर के अंदर जो भी खोज की, तो यार्कशायर के अंदर और अपने स्थान के ऊपर इन्होंने उत्तरी ध्रुव के अंदर खोज की, उन स्थानों के ऊपर जो पौधे मिले उनके जो जीवाश्म थे, तो अलग, ये भूगर्भी का मतलब है अलग अलग स्थानों के ऊपर जो खोज की गई उनकी पत्तियों की अंदर जीवाश्म जो थे उनके अंदर समानता पाई गई। तो ये दूसरा ये कि यार्कशायर में भी इसकी खोज में भी मिला है, ये जीवाश्म लिख दो यहाँ पर, जो सरसीडो फिलम पौधे से मिलता जुलता है। अब इसने अपना आधार दिया है इस सिद्धांत के बारे में, वो इसको आप नोट कर लो। ये लेखक का नाम है, ये ग्रांड जूरी के अनुसार आवरत बीजी की उत्पत्ति अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियां एवं स्वतंत्र उत्परिवर्तन से हुई है। बर्ट्रेंड भी इसका समर्थन करते हैं। जो जीवाश्म मिले हैं, ऊपर लिख देता हूं,
इस प्रकार से यह जो है इसको समझ लीजिए, पर्यावरणीय परिस्थितियां एवं स्वतंत्र उत्प्रीतन यानी अपने आप पैदा होना, इसी को मानता है। इसका आधार उन्होंने ये कहा कि जो पर्यावरण की परिस्थितियां थी और अपने आप स्वतंत्र उत्प्रीतन का मतलब अपने आप पैदा हो जाना के कारण ही हुआ। बर्टन नाम का जो लेखक था वो भी इसका समर्थन करता है। तो इसका आधार ये है कि उन्होंने जो विभिन्न प्रकार के जीवाश्म की पत्तियां पाई और उन पत्तियों का जीवाश्म का अध्ययन करने के बाद में अपनी यह राय बनाई कि भिन्न भिन्न स्थानों की खुदाई के अंदर जो पत्तियों के जीवाश्म मिले हैं, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे जो ये ऐसे इनके नाम लिखे हैं, इन पौधों का पत्तियों का वहां पर जीवाश्म मिले। तो इस प्रकार से दूसरा सिद्धांत जो है वो ये था, ये भी अपूर्णता का सिद्धांत है क्योंकि इसमें भी जो मिले हैं प्रमाण जो जीवाश्म वो पूरी तरह से इनके पूर्वजों को नहीं बताते हैं, केवल एक अनुमान के आधार पर ये बता गया है कि जो जमीन की खुदाई में मिले प्रमाण जो जीवाश्मों के पत्तियों के मिले वो पूरी तरह से नहीं मिले। विभिन्न वैज्ञानिकों ने जो खोज की पत्तियों की जीवाश्म की वो पूर्ण नहीं है। और उन्होंने जो ये लेखक था उसने अपनी ग्रांड जूरी ने बताया कि उसका सिद्धांत यह है कि पर्यावरण की परिस्थितियां जो ही अनुकूल हुई और अनुकूलन के पश्चात स्वतः ही जो वहां के उस समय के जो पेड़ पौधे थे उनमें उत्परिवर्तन हुआ और उस उत्परिवर्तन के कारण जो है उनके अंदर ये आवर्त बीजों की अचानक उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से ये दूसरा सिद्धांत है वो भी है, वो परफेक्ट नहीं है, केवल ये है। आपको पूछा जाए कौन कौन से प्रमाण है, पहला आपको बताया ऐतिहासिक, जो आपको ये मैंने बताया नहीं ये सिद्धांत के बारे, ये थोड़ा बोरिंग टॉपिक है क्योंकि इसमें इतने तो नाम है और इतने काल है और सही किसी का भी तथ्य है नहीं, तो आपको जो याद रहे वो इसमें लिखना। रामे ने ये कहा, बागे ने ये कहा, वो जिसने मथुरा आकर के उसने अपना स्टेटमेंट ये दे दिया, तो अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग सिद्धांत दिया है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि इसका अगर आवर्त बीजों की उत्पत्ति का जो मुख्य काल क्या है वो है क्रिस्टेशियस युग। मोस्ट ऑफ जो ये बोटनिस्ट है वो इसी को ही मानते हैं। तो कल आगे जो है इसका नेक्स्ट करीब 9 प्रकार के जो है सिद्धांत है, तो शॉर्ट के अंदर मैंने जो अंडरलाइन किया ना आप उसको याद रखना, फिर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है किस विद्वान ने क्या कहा। थैंक यू।